तो भाइयों, गुड आफ्टरनून। एक और नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने आपको बोला था कि अब निसान मैग्नाइट से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, तो निसान मैग्नाइट के जितने ओनर्स थे उनके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप ये जो इसका डिस्प्ले है या उसका हैंडलिंग है वो सब कैसी है। बट मैं आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। वो इसमें कुछ इस तरीके से बटन्स होते हैं डैशबोर्ड पे इधर नीचे, तो ये किस तरीके से यूज़ होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, क्या फंक्शन होते हैं उनका, वो सब बारे में बात करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखो ना, म्यूज सिस्टम से नीचे, तो यहाँ पे लॉक और अनलॉक के बटन होते हैं। यानी कि जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो आप इधर से देखोगे ये लॉक हो गए, और इसे अनप्रेस करोगे तो अनलॉक हो गए। फिर यहाँ पे जो ये बटन होता है, ये होता है जी डिफॉगर का, यानी कि आपके चारों लाइट्स जो हैं ब्लिंक करने लग जाएंगी, ठीक है। अब ये है ये डिफॉगर का, जैसे इसको प्रेस करोगे लिखा है रियर डिफ्रॉस्टर मोड ऑन, यानी कि जो पीछे वाला मिरर है उसमें जो डिफॉगर है वो ऑन हो जाता है। इसको बंद कर देते हैं। अब आते हैं नीचे, नीचे है ये फ्रंट, फ्रंट का डिफॉगर है, आप देखिए कितनी तेज चल रहा है, ठीक है, इसको कर देते बंद। ये ऑटो एसी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो करता है ये सिंगल जोन, उसके लिए बटन है, इसको भी बंद कर देते हैं। ये एसी ऑन और ऑफ के लिए होता है, और ये एयर फ्लो के लिए होता है। बाकी ये रोटेटरी जो है डायल्स होते हैं एसी और फैन की स्पीड के लिए और पोजीशनिंग के लिए होते हैं। और यहाँ पे आपको गियर्स नज़र ही आ गए हैं। फर्स्ट ये 5 गियर्स होते हैं, रिवर्स को मिला के 6 होते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और वाइपर के जो कंट्रोल्स होते हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं, लाइट के कंट्रोल आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, और हेडलाइट के लेवलर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स, मोड ऑन मोड चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ से क्रूज जो है आप सेट कर सकते हो, और MID के कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाते हैं, और ये जो है डिजिटल MID आपको मिलती है। यहाँ पे मिलते सारे AC, और इधर जो बटन है वो सारे मिलते हैं। एक्सटर्नल ORVM को एडजस्ट करने का ये होता है, और ये सारे ऑटो अप डाउन और ये पायलट कंट्रोल सारे मिलते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लो, ये सब आपको यहाँ मिल जाते हैं। और बटन से बात कर देते तो ये इंटरनल ORVM को आप डे लाइट एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, ऐसे यहाँ पे लाइट के स्विच मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे माइक की ये सेंसर है, और माइक की प्लेसमेंट आपको मिलती है यहाँ पे। तो ये थे सारे बटन, क्योंकि बटन से रिलेटेड बात कर रहे थे हम। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।